हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपकी बड़ी आंत में अपेंडिक्स, कोलन और रेक्टम पाए जाते हैं। बड़ी आंत का काम होता है आपके भोजन में से पानी को अवशोषित करना और आपके मल को शरीर से बाहर करना, लेकिन कुछ कंडीशंस में, कुछ केसेस में बड़ी आंत फूलकर फट भी सकती है। ऐसी कंडीशन को टॉक्सिक मेगाकोलन नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत सीरियस यानी कि गंभीर समस्या हो सकती है, जिसमें कि रोगी की जान भी जा सकती है। चलिए जानते हैं कि बड़ी आंत का फूलना या फटना किन कारणों से होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और किन लोगों को इसका डर होता है, खतरा होता है। दोस्तों, बड़ी आंत के फटने का खतरा उन लोगों को अधिक होता है जिनको IBD की समस्या होती है, यानी कि इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज़ की समस्या होती है। IBD के रोगियों को बड़ी या छोटी आंत के फटने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। इसके अलावा आंत में इन्फेक्शन होने पर भी आंत के फटने का खतरा अधिक हो जाता है। यदि आपको किसी प्रकार का इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज़ है तो ऐसे में आपकी बड़ी आंत में सूजन आ सकती है, वह फूल सकती है और बहुत ज़्यादा फूलने के कारण वह फट भी सकती है। क्योंकि जिस व्यक्ति को IBD की समस्या होती है, उसे गैस और मल शरीर से निकालने में समस्या आती है, जिससे कि बड़ी आंत बहुत ज़्यादा फूल जाती है और फट भी सकती है। बड़ी आंत के फटने पर आपके जो बड़ी आंत के गंदे बैक्टीरिया होते हैं, बुरे बैक्टीरिया, वह आपके शरीर में, आपके पेट में फैल जाते हैं, जिसके कारण गंभीर इन्फेक्शन होकर आपकी जान भी जा सकती है। बड़ी आंत फूलकर फट सकती है। इसके लक्षण होते हैं पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, पेट का फूल जाना, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द मरोड़ आना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, बुखार हो जाना, खून भरे दस्त आना और मल त्याग करते समय बहुत ज़्यादा दर्द होना। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि बड़ी आंत का फटना जान जाने का जोखिम आपको दे सकता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके ऐसे लक्षण दिखाई देने पर ऐसे लक्षणों को हल्के माइंड ना लें और किसी अच्छे पेट के डॉक्टर से आप अपनी जांच करवाएं। खासकर वे लोग जिन्हें कि IBD की समस्या हो, यानी कि इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज़ की समस्या बताई गई हो डॉक्टर द्वारा। डॉक्टर आमतौर पर इस समस्या का पता लगाने के लिए, बड़ी आंत के फटने का पता लगाने के लिए आपके पेट का एक्सरे कर सकता है, CT स्कैन कर सकता है या आपके ब्लड की जांच भी कर सकता है। इस समस्या का इलाज सर्जरी के द्वारा ही डॉक्टर करता है और जितना जल्दी हो सके यदि आपको ऐसे लक्षण दिखाई दें जो हमने आपको बताए, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, खासकर उन लोगों को जिनको कि IBD की समस्या डॉक्टर ने पहले से बताई हुई हो, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन डिजीज़ की समस्या। इसके अलावा आपको पेट में इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई दें, जैसे कि बुखार रहना, पेट में दर्द मरोड़ होना, उल्टी होना, दस्त होना, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, इसे हल्के में कभी ना लें। कुल मिलाकर पेट से जुड़ी कोई भी समस्या हो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, पेट के डॉक्टर को दिखा लेना ही समझदारी की बात होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।